देखिए, सबसे पहली बात है कि हम भांग के विषय में जान लें पहले, ये जरूरी कि भांग होता क्या है। भांग एक प्रकार की पत्ती होती है, एक प्रकार का सीड होता है जिसको कि हम लोग हेम्प सीड कहते हैं, और ये पत्तियों को पीस कर बनाया जाता है। नॉर्मली हम सारे ये फेस्टिवल में जैसे शिवरात्रि में या होली में इसका सेवन करते हैं। तो जब आप भांग का सेवन कर रहे होते हैं तो उस समय आपकी बॉडी में इसके धीरे धीरे इसका नशा होता है, और जैसे जैसे सबको ये डिफरेंट डिफरेंट इसके इम्पैक्ट होते हैं। किसी को बहुत जल्दी नशा होता है और किसी को धीरे धीरे नशा देखा जाता है। तो जब कभी आप भांग का सेवन कर रहे होते हैं तो आपके जब भांग लेने के समय आपके बॉडी के आपके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पाया जाता है। इसके अलावा आपके ब्रेन में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आप यदि हार्ट के पेशेंट हैं तो बिल्कुल भी आपको उस समय भांग का सेवन नहीं करना चाहिए। आप यदि ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो बिल्कुल भी उस समय आप भांग का सेवन नहीं करिए। या तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है या ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है। और जैसा कि होता है कि इस समय कई टाइप के रिपीटेशन देखे जाते हैं, और इस समय क्या होता है कि जब आप लगातार भांग का सेवन कर रहे हैं, यदि आप भांग के सेवन के आदि होते हैं तो कभी कभी ये इतनी क्रिटिकल हो जाती है कंडीशन कि सिज़ोफ्रेनिया तक की कंडीशन देखी जाती है। व्यक्ति जो होता है भूलने लगता है, भूलने के अलावा याददाश्त पे इम्पैक्ट देखा जाता है। याददाश्त पे इम्पैक्ट देखने के साथ साथ में देखा जाता है कि हम कई एक्टिविटी को दोहराने लगते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो बोलने लगते हैं, हंस रहे हैं तो हंसने लगते हैं, खा रहे हैं तो खाने लगते हैं। इन सारी चीजों का इम्पैक्ट इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसका भांग के सेवन का सीधा इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम से है। हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। तो जब आप भांग ले रहे हैं, भांग लेने के बाद हमारी सारी तंत्रिकाएं जो होती हैं इसे एक्टिवेट हो जाती हैं, और जो प्रक्रिया हम नशा नहीं करने के पहले से कर रहे होते हैं वो प्रक्रिया हम बार बार दोहराने लगते हैं। और इसका कारण सीधे हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन से हमारे सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं ये होते हैं, हमारे कंट्रोल होते हैं, और इसके कारण ही ये सारा इफेक्ट देखा जाता है। और इसके प्रभाव स्वरूप जब हम भांग का सेवन करते हैं तो सीबीटी जो होता है, सिबिनॉइल जो होता है, इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और ये हमारे ब्लड सप्लाई के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में इम्पैक्ट डालने के कारण हमारे सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है, और यदि भूख लग रही तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में क्या होता है कि हार्मोन का रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, तो हम बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। और यदि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे हंसने की प्रक्रिया चल रही है तो आप कंटिन्यू जो है आप वो सारे रिफ्लेक्स एक्शन आपके इससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप वही प्रक्रिया को बार बार दोहराने लगते हैं।